बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। सो आज मैं आप लोगों को अपने लॉन के ड्रेसेस जो है ना, उनकी डिज़ाइनिंग एंड प्राइस एवरीथिंग आपके साथ शेयर करूँगी। सो बिना किसी डिले के, सबसे पहले जी मेरे पास ये हसीन हसीन जमील शकील नबील जो भी आप बोल रहे हैं वो वाला जोड़ा है, ठीक है, रेड कलर में। और सिंपल सा है शर्ट इसकी, ये है जिस पे लेस वगैरह लगी हुई है। और इसका कुछ नेक डिज़ाइन जो है ना वो बिल्कुल ना सिंपल सा है। ये है जिसका नेक डिज़ाइन, कुछ ज़्यादा इसमें ना तामझाम नहीं किया हुआ। हाँ, अलबत्ता जो शलवार है ना, सिंपल ट्राउज़र है, कैपरी टाइप है ये, उस पर ये वाली डिज़ाइनिंग की हुई है। सो अगर आपको सही से नज़र आ रही है तो अगर आपको जो अच्छा लग रहा हो तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, तो आप बनवा सकती हैं ऐसा, अगर आपको पसंद आ जाए तो। ये होगा जी फर्स्ट। और इसका साथ लॉन का ही दुपट्टा है, ये है जिसका दुपट्टा लॉन का। लॉन के दुपट्टे बेसिकली मैं इसीलिए लेती हूँ क्योंकि ये ना सर पे टिक जाते हैं, और इसके ना डिज़ाइन बड़ा अच्छा था, दो कॉम्बो आ रहे हैं इसके अंदर ना। सो अभी मैं सेकंड दिखाती हूँ जी आपको। ये है जी मेरा मोस्ट 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 फेवरेट सूट, और इसका डिज़ाइन आप लोग चेक कर लें। इस पर मैंने लगवाई है जी ये ब्यूटीफुल सी लेस, ये मुझे अच्छी लग रही थी छोटी छोटी सी, और इस पर ये वर्क हुआ है, ठीक है, कढ़ाई है ये वाली सारी। और इसका नेकलाइन भी सिंपल है, क्योंकि जो हैवी होते हैं ना उसमें ज़्यादा, फिर ये कढ़ाई वाला था तो मैंने इस पर ज़्यादा काम नहीं करवाया। और बाजुओं पे ऐसे ये कमीज़ का ही बॉर्डर था वो लगवा लिया, और साथ में लगाई हुई है जी ये लेस और बेल बाजू बनवाए हुए हैं, ठीक है। ये होगी जिसकी शर्ट, और ये इसका दुपट्टा है जी। दुपट्टा इसका बहुत हसीन तरीन है, ये मुझे बहुत पसंद है दुपट्टा इसका। सो मैंने प्रेस वगैरह नहीं किया, जैसे ही आई है ना वैसे ही मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर कर दूं पहले। अब इसका ये जो पांचे का डिज़ाइन है कुछ ये है, बॉर्डर जो इजाफी था ना वो मैंने पांचे पे लगा लिया, क्योंकि ज़्यादा कुछ इतनी खास डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं है, डिसेंट से सिंपल से मैंने सिलाई करवा ली है। मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको इनमें से ना कौन सा सूट सबसे अच्छा लगता है। अभी मैं आपको जस्ट जल्दी जल्दी जो है ना वो दिखा देती हूँ थर्ड वन, क्योंकि फिर जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना फिर शॉर्ट करनी पड़ती है। मैं अभी दिखाती हूँ जी आपको तीसरा। टन टन, यहाँ पे है जी मेरे पास थर्ड वन। थर्ड वन इसका कलर जो है ना यार, माइंड ब्लोइंग कलर है इसका, ठीक है। और इसके साथ अगेन लॉन का दुपट्टा है, बड़ा प्यारा ज़बरदस्त सा दुपट्टा है इसके साथ। और इस पे लगाई हुई है जी ये वाली लेस, ऑलमोस्ट हर सूट पे मैंने लेस ही लगवाई है। और इसकी नेक लाइन है जी कुछ ये, ठीक है। थर्ड वन हो गया जी। बाकी कोई दो तीन ऐसे भी हैं जो मतलब फॉर्मल से होते हैं ना ये, जैसे कि ये वाला है, इसका मुझे ना ट्राउज़र बहुत पसंद है। ये है जी इसका ट्राउज़र। ये थोड़ा सा फॉर्मल सा है कि घर में बंदा ना आम यूज़ के लिए बंदा पहन सकता है, कि भाई नहीं तो इतने बंदा एक्सपेंसिव अफोर्ड कर सकता, कि आपने घर में भी इतने एक्सपेंसिव पहनने होते हैं। ये है जी। और ये इसके साथ शर्ट, ठीक है। और इसकी ऐसे बाजू हैं जी इलास्टिक वाले, ये न्यू ट्रेंड था ना तो मैंने कहा चले मैं भी बनवा लेती हूँ। इसके है जी लॉन का अगेन दुपट्टा। दुपट्टे मुझे लॉन के पसंद है, क्योंकि वो फिर ना सर पे आ जाते हैं सही से। थर्ड फोर्थ फिफ्थ है जी मेरे पास ये वाला कलर। हर कलर मिलेंगे जी आपको, हर किस्म की वैरायटी मिलेगी आपको मेरी वीडियो में। अगेन इस पे मैंने ये इलास्टिक लगवाई थी और लेस वगैरह लगी है सिंपल इस पे। इसका जो ट्राउज़र है वो है जी डिज़ाइनिंग वाला, जैसा कि है कमीज़ में डिज़ाइन, वैसा ही इसके अंदर है जी डिज़ाइन ये शलवार। और इसका दुपट्टा इसके जो कलर है ना उनके साथ कंट्रास्ट में है, बड़ा अच्छा लगता है दुपट्टा लिया हुआ। अच्छा जी, फाइव ड्रेसेस कंप्लीट। अब लेके आती हूँ जी मैं अपना सिक्स वन। वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, उसको उठा लेती हूँ। वेलकम जी, ये है जी मेरा
सिक्स आउटफिट। सो ये अगेन थोड़ा सा कलर ना ये स्काई ब्लू है, और जब मैं पहले आपको दिखाया ना सेकंड नंबर पे जो ड्रेस दिखाया था वो थोड़ा सा ना ग्रीनिश टाइप में आ रहा है, सी ग्रीन टाइप। सो इसका तो दुपट्टा है जी ये वाला, जो कि सर पे बिल्कुल नहीं टिकता, और यार इसकी लुक बड़ी प्यारी आती है वैसे दुपट्टे के साथ इस सूट की। ये चेक करें, अगर मेरे पास इसकी पिक्चर हुई ना सो मैं टैग कर दूंगी साथ, यानी कि लगा दूंगी, तो फिर आप देख लीजिएगा, बड़ा प्यारा लगता है पहना हुआ भी। और इस पे लगाया जी मैंने ये वाला, इसको पलटा बोल लें, शमोज बोल लें, शमोज हमारे तो शमोज ही बोली जाती है। इसकी नेक लाइन बड़ी ज़बरदस्त मैंने बनवाई थी, क्योंकि ये जिसकी कुछ नेक लाइन। सो अभी मैं अकेली हूँ ना, सुबह मैं बना नहीं सकती इसका अच्छे से, ऐसे सही नज़र आ रही है इसकी नेक लाइन, है ना। सो इसकी आप पिक्चर ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं ये अभी ले लें जी इसका स्क्रीनशॉट। अगर आपने बनवाना है तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, क्योंकि ये डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है पहना हुआ भी ना गले के। और बाजुओं का जी इसका ये वाला डिज़ाइन है, बाजी ना ऐसे आगे से बड़े खुले डुले हो जाते हैं जब, ये देखें पट्टी वगैरह लगाई है ना, ये है जी बाजू इसके, मोबाइल में पूरे नहीं आ रहे, और ये लगाई है जी इस पे मैंने, कोनी पे आ जाता है ये चीज़। सो जब इसको गिरा लगती है ना यहाँ से टाइट हो जाता है, तो ये चीज़ खुल जाती है, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ लगती है। और इसका है जी पांचे का डिज़ाइन ये वाला, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने सिलाई करवाना है, स्टिच करवाना है ऐसा तो, ठीक है। ये है जी मेरा सिक्स आउटफिट। सो ये बेसिकली वो हैं जो मसलन अगर कहीं जाना हो या कुछ भी उसमें यूज़ होते हैं मेरे, ठीक है, क्योंकि बाकी नॉर्मली तो घर में पहनने के लिए जो है ना वो काफ़ी है। उसकी फिर किसी दिन डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो अभी इनकी प्राइस की बात करते हैं, सो जितनी मुझे याद है ना मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये आया था जी 3500 का सूट, और अगेन ये है जी मेरे पास जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं, जिनके बाजुओं पे मैंने इलास्टिक लगवाई थी, ये आई थिंक आए थे जी 2000 समथिंग का, हाँ आई थिंक इतने का है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है, ये दोनों सेम मैंने शॉप से लिए थे। सो तो इनकी दोनों की प्राइस भी सेम मैंने ली थी, क्योंकि मैं फिर जब ले रही हूँ एक शॉप से तो फिर प्राइस भी मुनासिब कर ही लेते हैं वो, क्योंकि बार्गेनिंग तो लेडीज़ को ही करनी आती है ना, जेंट्स को बार्गेनिंग नहीं आती। और ये वाला थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिला था मुझे, क्योंकि इसका ट्रेंड न्यू न्यू चल रहा था। और ये भी है जी, ये 3500 का आया था ये वाला भी, तो बाकियों की मुझे एटलीस्ट अभी अच्छे से याद नहीं है, इनकी प्राइस मुझे याद थी। सो आई होप आपको कपड़े मेरे सारे पसंद आए होंगे। सो आई होप कि आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट लाजमी करना है। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसी ही एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।